आगे और क्या कैसे तेजी से इस कार्य को पूरा किया जाए? आप यदि देखें तो युद्ध स्तर पर जिस तरीके से काम चल रहा है वहाँ, और जिन परिस्थितियों में और जिन कठिनाइयों में हमारे ITBP के, सेना के, NDRF के, और जो हमारे गोताखोर हैं, विशेषज्ञ हैं, वो रेगुलर और रात दिन काम कर रहे हैं। आपको तो मालूम है कि जिस तरीके से वो हिमनद टूट करके, ग्लेशियर टूट करके ऋषि गंगा परियोजना पर पूरी परियोजना को तहस नहस करके नीचे लाया, और फिर जो दो NTPC का जो 520 मेगावाट बिजली की परियोजना जो बन रही है वहाँ पर, तो उसको भी प्रभावित उसने किया है। ये कुल मिलाकर के दोनों परियोजना में जो अभी तक की सूचना मिली है वो 206 लोग कुल लापता हुए हैं, जिसमें से 31 लोगों के शव मिले हैं और दो की शिनाख्त हो पाई है। बहुत सारे लोगों को बचाया गया है, और आपको तो मालूम है कि जो पहली वाली सुरंग थी कितनी भीषण परिस्थिति थी वहाँ पर, और हमारे जवानों ने अपने प्राणों को हथेली पर रख करके लोगों के प्राणों को बचाया, किस तरीके से उसको उनको निकाल करके एक एक करके, पहले नीचे खींच करके एक एक नीचे एक व्यक्ति जाए, और फिर किस तरीके से उस दलदल से लोगों को बचाया है। पहली ये चुनौती है कि यदि उनके जीवन को बचाया जा सकता है तो वो सबसे बड़ी चुनौती है इस समय। बाकी जो लोग लापता हुए हैं उनकी ढूंढ जारी है। गांव भी लगभग 11-12 गांव वहाँ प्रभावित हुए हैं, जो विद्युत लाइन जिनकी ध्वस्त हुई, तो अभी विद्युत भी आपूर्ति शुरू हो गई है।